ये क्यों कर रही है ऐसे काम? क्या हो रहा है मेरी पार्टी में? वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू यू एंड आई व्लॉग। तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर, और घर पहुंचते ही ऑस्कर भौंक रहा है, क्योंकि टाइगर जो उसको ऊपर वाला डॉग है, मतलब हमारे ऊपर बिल्डिंग में रहता डॉग, वो बाहर है, और उस टाइम पे ये पागल हो जाता है, दोनों बहुत ही एक दूसरे पे भौंक करते हैं गंदे तरीके से। और सुबह भी एक कांड हुआ है ऑस्कर के साथ ही, बस बच ही गया है, तो वो मैं बताऊंगी जब नानू घर आ जाएगी। तो मैं अभी भी पहुंची हूँ बस घर, और चेंज वेंज कर लिया है। इस टाइम पे आज मुझे कोई घर की सफाई नहीं करनी, टेक सम रेस्ट, और उसके बाद आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ना स्किन केयर कर लिया जाएगा इस अभी अभी, जैसे आपको पता है शादी चल रही है, शादी तो है, अब देखो किसी, हम ऐसे झूठ तो नहीं बोल रहे, शादी तो किसी की है, बट किसकी शादी है वो आपको पता चल जाएगा कुछ दिनों में। और अभी जो मैंने सोचा है कि मैं स्किन केयर में क्या करूँगी, तो मैंने जो राइस जब हम उबालते हैं ना, और वो स्टार्च वाला जो वाटर होता है, राइस वाटर, उसको मैंने ऑलरेडी आइस क्यूब बना रखे है, तो मैं राइस क्यूब्स लगाने वाली हूँ यहाँ पे स्किन पे, जो कि बहुत ही हेल्दी होती है स्किन के लिए, तो अभी मैं वही करने वाली हूँ। सो लेट्स गो, लेट्स गेट स्टार्टेड। किचन में चले, हमारा फ्रिज, हमारा फ्रिज में देखो बर्फ ही बर्फ जमे पड़े हैं, और ये वाले ट्रे में ना मैंने ये वाले में, इसमें सब राइस वाले क्यूब्स हैं, और ये दो क्यूब्स बचे हैं, ये क्यूब ये पुराने वाले के हैं, तो ये वाले क्यूब्स आज मैं फेस पे लगा लूँगी। सो गाइस लेट्स गो, ये लगाया जाएगा, अब स्किन केयर किया जाए थोड़ा सा, प्रिपरेशन चल रही है शादी की, तो थोड़ी सी अपनी केयर भी कर ले। Let's go! अब मेरी दो दो रोटी हो चुकी हैं, तो घर आते ही पहले मैं ऑस्कर को प्यार करती हूँ, फिर यहाँ पे ये वाले जो बेबीज हैं इनसे बात करना होता है, तो यहाँ पे ये एंजल पाड़ी पाड़ी बच्ची, सबको मैं थोड़ा सुबह बांध देती हूँ, थोड़ा शाम को, और थोड़ी देर में इनका स्लीप टाइम भी हो जाएगा, तो ये सो जाएंगे। एंजॉय इज वेरी हैप्पी, एंड देयर इज पैंथर, देयर इज बेबी, नाम तो बड़े प्यारे प्यारे से हैं, आप किसी ने सजेस्ट भी किया था मुझे, गाइस वी आर वेरी सॉरी, ज़रा हम उन चीज़ों को थोड़ा देख नहीं पा रहे हैं, बट यू नो एक और पॉट आ गया वैसे घर में, तो मैं सोच रही हूँ इसमें भी कोई प्लांट लगा दूँ, तो अभी देख के लगाएंगे एक प्लांट, अभी लग रहा है भूख, भूख तो नहीं, पहले ये जो ओह माय गॉड ये जो बर्फ लाए हैं हम राइस वाटर वाली, इनको लगा लिया जाए, तो इसके लिए हम करेंगे ये काम, कॉटन में लेंगे एक आइस क्यूब जो हमने बनाई है, और उसको कुछ लगाएंगे इस तरीके से। तो ये है मेरा आज का रूटीन फ़िलहाल का, तो और उसके बाद बहुत काम होते ही हैं घर आके, पता नहीं ऐसे क्यों होते हैं, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग अभी करनी करनी हैं, तो वो तो चलता ही रहेगा, और उसके बाद मैं करूँगी रेस्ट, और फिर आ जाएगी नानू, है ना भाई। गाइस फॉर अ चेंज, फॉर अ चेंज आज ये जिम में, गाइस कि नानू भी आ चुकी है, और नानू नहीं नहीं ब्लॉग में अपनी शक्ल नहीं दिखाई, गाइस फॉर अ चेंज पहली बार ये जिम में के कपड़े वाली लड़की के हाथ में बैग दिख रहा होगा आपको, जो खुद ही लेके घूम रही है, वो अलग बात है, ये पार्किंग देख के आपको लग नहीं रहा होगा कि ये जिम है, बट क्योंकि हम आए मॉल जिम जाने से पहले, हम एग्जिट आए हैं, देखो बैकग्राउंड में इसके एग्जिट लगा है, हां तो तुमको बोल देना। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू इवी एंड नानूस ब्लॉग, आई नो आप मेरे को मिस कर रहे थे, मैंने अभी अभी रिसेंटली कोई कमेंट पढ़ा जिसमें नानू ने इस औरत ने मुझे उस ब्लॉग में नहीं लिया था, और अपने आप ही सारी चीज़ें कर ली थी, और वहाँ पे मेरे को एंड में भी नहीं करने दिया, ना दिखाया ना बोला कुछ, अपने आप में सब कर लिया, और उसमें मेरे को अभी 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 यही तो बोला मैंने तेरे को, स्मार्ट क्लास है, अरे फ्री बुक है पागल, तो ओके बुक चोर करें, सो गाइस मीट दिस, हाय गाइस, हाय गाइस, सो हम आए हमारे थर्ड होम एज यूजुअल, कहीं ना कहीं हम अपने घरों में ही रहते हैं, हम बहुत ही शरीफ लड़कियां हैं, हम कहीं बाहर नहीं हांटती, हम सिर्फ अपने घर में जाती हैं, वन होम से टू होम, टू होम से थ्री होम, और हमारा फोर होम, जिम हमारा फोर होम हो गया है, तो हमारे ब्लॉग्स में बस यही चीज़ें दिखती हैं आपको, मिलते थोड़ी देर में, तो अभी हम आए कुछ सामान लेने, तो ऊपर चलते थोड़ा देख लेते हैं जो लेने आए वो मिलेगा कि नहीं, ले जिराफ पता नहीं कहाँ लगाएगी, अपने ऑफिस में लगा लियो जिराफ, जेबरा सॉरी जिराफ कह रही हूँ, जेबरा, तो डबल टेप कर लियो ना गाइस, हम आ गए हैं जरा यहाँ पे,
DIY कुछ सामान लेने। देख यहाँ पे रस्सियाँ देख। हाँ यही तो बोल रहा हूँ। लड़की ने बहुत सारा सामान ले लिया, धागे धोगे मोती पता नहीं क्या करेगी। इन पूरा आर्ट एंड क्राफ्ट करूंगा मैं, सारे आर्ट एंड क्राफ्ट कर लेगी। यहाँ पे और भी चीजें हैं। तुम्हारी शक्लें देखो गाइस, आपकी शक्लें बदल गई यहाँ पे देखो, सारी सारी। यहाँ पे बटरफ्लाईज भी है, कितनी प्यारी लग रही है। देख लिया मैंने वो गाइस, यहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी चीजें मिली हुई है। इसमें ऐसा कुछ होता तो हम ऐसे लगा देते उसमें। लाइट चली गई थी यहाँ पे, पूरे मॉल में लाइट चली गई थी। नो लाइट, ओ माई गॉड, मॉल में भी जाती है लाइट, ये क्या हो रहा है इस दुनिया में। ओ पेंजी गाइस, बहुत सारा सामान ले लिया हमने आज, और हमें को ये भी लेनी है। बाय बाय, इसने क्या ले लिया पता नहीं, क्या क्या लिए जा रही है ये। और ये देखो, ये हम ऑलरेडी लेके आ गए, जिम गए नहीं अभी तक। क्या खोड़ी थी तुम जूते से? ये देखो ये लड़की, ये लड़की मुझे छोड़ने आई है जिम, और मैं जा रही हूँ जिम, और ये जा रही घर, क्योंकि सामान इतना सारा घर पे सामान छोड़ के। छोड़ो, मेरे से सॉक्स खुलवाए गए हैं गाइस, यहाँ पे देख लो। क्योंकि मैं अपने सॉक्स भुलाई ना, तो ये घर जा रही है तो ये दूसरे पहन आएगी, तो इसके सॉक्स मैं पहन लूंगी। अब क्या ही हो गया हमारे में, चलता है हम ही दूसरे के सॉक्स पहन लेते हैं। नहीं पहनने वाला क्यों? मैं तो बिना सॉक्स ही पहनता हूं लाइफ भर। क्यों? पर एनीवेज नहीं, लोग बोलते हैं दूसरे के सॉक्स नहीं पहनने चाहिए, वैसे नहीं पहनने चाहिए, बट अभी क्योंकि आज नहीं पहनते हैं। तो पूरा बचपन तो हमने एक दूसरे का सॉक्स पहन के निकाला है घर पे, ऐसा तो कभी कुछ यूज्ड जैसा भी तूने पहने होते मैंने लगा। ऐसे नहीं करना चाहिए वैसे, है ना गाइस। एनीवेज चलो मैं जा रही हूं जिम, और जा रही घर। बाय 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 नन, आराम से घर पहुंच जाना। मेरी तो एक्सरसाइज चल रही है, लेकिन ये मैडम यहाँ बैठी हुई है एज यूजुअल। इंस्टा वीडियोस में आप देख चुके हो नानू को ऐसे, और मैं यहाँ पे हूँ लगी हुई हूँ मोटा पेट कम करने के लिए। गाइस दीदी आ चुकी हैं वापस मुझे लेने, पेट्रोल भरवाते हुए चलते हैं। चल घर, फिर नहीं निकल पाएंगे, मैं तो ना निकल पाऊंगी अभी, ठीक है चलो। फिर इसकी शक्ल देख लो बेचारी की, अभी आई है लेने मुझे, और फिर और लेने तो बाबू पहले ही आ गई थी गाइस ये, पर ये ना मेरा, आपने मेरे इंस्टा ग्रुप पे देख लिया होगा कि क्या करती बैठी हुई थी वहाँ पे। मैंने फटाक से इसकी फोटो ले ली और डाल दी। इंस्टा क्या है वो, ब्रॉडकास्ट, इंस्टा ब्रॉडकास्ट पे, जिसमें कोई लोगों ने मुझे फॉलो नहीं कर रखा, क्योंकि मैं कुछ डालती भी नहीं हुआ। मेरे को साल दो साल में याद आ जाता है कि अच्छा उस पर भी डालना होता है कुछ, तो जो लोगों ने फॉलो भी कर रखा था उन्होंने भी अनफॉलो कर दिया। और अभी उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिकॉज इट्स हर फर्स्ट डे, और नहीं फर्स्ट डे देखो हालत तो होती है, तो फर्स्ट डे ऊपर से फिर हम ऑफिस से आते ही इंफिनिटी मॉल चले गए थे सामान लेने, फिर जिम आ गए, फिर इस बेचारी को घर भी जाना पड़ा सामान रखने के लिए, अब वापस जा रहे पहले, और अभी 10:45 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम घर, अभी भी हम घर नहीं जा रहे। अभी हम जाएंगे कहाँ? पेट्रोल भरवाने, क्योंकि फिर सुबह लेट हो जाता है, नहीं भरवा पाते। आज इन भैया को करेंगे जय श्री राम भैया। तो यहाँ से निकलते हैं हम जय श्री राम का नाम लेते हुए, लेट्स गो पेट्रोल भरवाओ। पाव भाजी लेने रुके हैं, पर भैया ने सारा सामान हटा दिया है, तवा पूरा खाली कर दिया था, लेकिन भैया ने बोला कि अब मैं दे दूंगा, वो भी सिर्फ इस लड़की की शक्ल देख के। ओ दीदी सो गई क्या? इस लड़की की शक्ल देख के पाव भाजी मिलेगी। देखो ये बिल्डिंग में ही हमारा जिम है, इसके अपोजिट में खाओगे जो मैंने आपको दिखाई दी वही है, यहाँ पे सारा खाना मिलता है, और यहाँ पे पाव भाजी भी मिलती है। मीडियम करूँ स्पाइसी करूँ? मीडियम, हाँ। चीनी भी डाल दे, चीनी खाओगी पाव भाजी में? क्या हालत है नहीं, चलो ज़्यादा सब नहीं करते, मेरे पाव भाजी देख ली तो कैसे बनाते हैं भैया। यकीन हो गया ये नानू के लिए बन रहे हैं चीज़ के साथ, इस चीज़ी लड़की के लिए चीज वाली पाव भाजी बन रही है। ये डाला भैया ने, और बटर भी डाल दिया, भाई बटर भी डाल देना। लग गए थे काम में, खाना वाना ये लग गई थी काम में, मैं तो पसरा हुआ आज, क्योंकि नानू का पाव भाजी लिया था, मेरे को अंडा ऑमलेट बनाना था, तो ये देखो ऑमलेट, और ये रहा हमारा ऑमलेट, शिमला मिर्च और बेल पेपर वाला, शिमला मिर्च और बेल पेपर, बेबी कॉर्न और मेल्टी ग्रीन ब्रेड, ये देख लो फ्लैक्स सीड्स, मेल्टी ग्रीन देख लो गाइस, देखो फ्लैक्स सीड्स बहुत सारे लगे हैं, और ये ऑस्कर के लिए,
और वो चला गया नीचे। उसको लग रहा है कंधा नीचे गिर गया इसलिए गया वो नीचे। गाइस ये रही मेरी भाजी द पाव विद द अनियन। विद द अनियन तो खा लो। और ये पीछे सामान देख रहे हो गाइस? तो गाइस ये जो सामान आप पीछे देख रहे हो मेरे, ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखा देंगे अगर मेरा मन किया तो। आई डोंट नो, मैं तो थोड़ी देर के बाद पहले जरा चूस लूं क्योंकि भूख बहुत जोर की लगी। आई डोंट नो, अभी खाने के बाद एक बाइट के बाद मुझे पता चलेगा कि मेरी भूख मर चुकी है या मैं खा सकती हूँ। सी यू टुमारो। क्या हो रहा है मेरी पार्टी में? ये क्या हो रहा है मेरे घर में? यहाँ पे देखो नानू को, कागज फाड़ती हुई नानू। क्या हो गई है पागल? ये क्यों कर रही है ऐसे काम? बना दिए कतरने। What is this happening? प्याज क्यों काट रही हो तुम यहाँ बैठ के दीदी? पेपर को प्याज समझ के काट रही है ये पालक के पत्ते, धनिया पत्ते सब समझ लिया है इसने। साथ में लेके बैठी है कैक्टस वाली कैंडल। ओ माई गॉड, कितनी क्यूट लग रही है यार ये तो। और देखो इसे। तो गाइस ये सब तो मजाक था। नानू कर रही है कुछ हैम्पर बनाने की तैयारी। DIY कर रही है ये। DIY अरे ये तो वो रद्दी वाला पेपर है ना। मैंने ना अंकल ये हमारे पैकेट में है। मैंने देखा इतना सा पैकेट लेके आया, इतना सा उसके अंदर इतना सा होगा अगर मैं निकालू। हाँ एग्जैक्ट इतना 40 रुपए का। मैंने मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ज्यादा चाहिए। मैंने अंकल ये तो एक में खत्म हो जाएगा। ये इतने का ही आता है। मैंने कोई बात नहीं अंकल, आप पेपर दे दो मैं बना लूंगी। देख के ध्यान मत करो तो हाथ कट जाएगा। इसे देखो नया लेके आया हूं, वैसे कटना तो बनता है। इस भूखे लड़के को देखो, ले कुछ नहीं देना इसको, कुछ नहीं देना इसको। जो हमने अभी काम खत्म किया है वो है कि जो इनविटेशन कार्ड्स हैं, वेडिंग कार्ड इनविटेशन जो दिए बनवाए हैं उसके साथ किस तरीके से भेजा जाएगा। तो ये जो आप डब्बा देख रहे हैं इसमें हो चुकी है सारी तैयारी। एक सेकंड गाइस, तो ये देखो ये सारे डब्बे हमने रेडी कर लिए ऑलरेडी। तो इन डब्बों में हमने क्या करा है ये आपको दिखा देती हूँ। एक ये देखिए, और इसमें जा रहा है एक कैंडल और एक चॉकलेट। तो ये बहुत प्यारी लग रही है कैंडल, बहुत प्यारी प्यारी है, सेंटेड कैंडल से है। और एक ग्रीटिंग कार्ड के साथ कुछ इस तरीके से उल्टा दिखा रहे हैं। ऐसे बंद करके ये जाएगा कहाँ पे? हाँ ये भेजने हैं सारे चीज़ें। किसी ने लिखा है और मेरी प्यारी सी डायरी देख लो पहले आप। ये ऐसे करो, ये देखो कितनी पानी डायरी है, इतनी क्यूट है। ये तो छोटू सी है, बंद करो। ऐसी डायरी मेरे पास पहले थी बचपन में, छोटू सी। बंद कर, कितनी क्यूट है ये। नहीं 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 बाबू, तुम क्या कह रही थी बताओ? किसी ने लिखा है, किसी ने लिखा है, किसी ने लिखा है कि आप शादी के नाम पर डेली डेली व्लॉग बनाओगे तो एक्चुअल में आप जब दिखाने लगोगे तो कोई देखने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। कोई ना रहे, बट मुझे पता है कि लोग इंटरेस्टेड रहेंगे क्योंकि वो अभी हम जो तैयारी कर रहे हैं वो तो दिखाएंगे ना भाई, कि ये भी ना दिखाएंगे हम तैयारी क्या कर रहे हैं और ये क्या तरीका है। आप शायद जिसने भी ये लिखा है आप शायद इंटरेस्टेड ना हो, तो आप शायद मे भी अभी भी इंटरेस्टेड नहीं हो तो मत देखो। बट मेरे को लगता है कि हमारे जो लोग हैं जो हमें प्यार करते हैं वो जानना चाहते हैं कि हम क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मुझे एक्चुअली बताने में अच्छा लगता है कि हमारी यही छोटी छोटी प्रिपरेशन डेली की ऑफिस के बाद चलती रहती है, दो जो चल रही हैं ऑलरेडी। सो गाइस यही हमारी ज़िंदगी, तो हम तो दिखाएंगे ब्लॉग में, दिखाएंगे हम दिखाएंगे। Let's go. सारा भर के भी रखा हुआ है, इसमें भी बहुत सारा सामान है अभी सब। जब अभी इनवाइट किए जाएंगे, सबको दिए जाएंगे इनविटेशन, तब होएंगे सारे चीज़ें। क्या है जब अभी ये बेड जो हालत इसकी ऐसी ख़राब हो रखी है इसको क्लीन कर लें, सोने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि इधर देखो क्या क्या सामान भराया जा रहा है। इस वाली अलमारी में सिर्फ ऐसे ही कपड़े जा रहे हैं बस, या फिर यही सारे सामान जा रहे हैं। कब जाएंगे हम भी, जो हम भी जा रहे हैं। गाइस नींद आ रही है, बहुत थक गई मैं तो। चलो कर लेते हैं काम।
नाइट रूटीन इज ऑल डन. जैसा मैंने आपको बोला कि स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जैसा आपको पता है कि शादी होने वाली है तो ऐसा स्किन केयर रूटीन तो अपना अच्छा खुद भी तो अच्छा दिखना होता है ना भाई शादियों में, तो इसलिए हम भी अपना स्किन केयर कर रहे हैं. तो मैंने आज आके जैसा आपको बताया राइस वाटर वाले जो मैंने क्यूब बनाए हुए हैं वो लगाया, और अब मैं रात को एलोवेरा जेल लगा के सो रही हूँ. और मैं बस आँख बंद करके सो रहा हूँ. तुम उतना कर लो वो बहुत है, क्योंकि तुम्हें लेटते ही नींद तो नहीं आती गाइस. मैं तो सोती हूँ, मेरी नींद टचवुड इतनी बढ़िया नींद है, इतनी बढ़िया नींद टचवुड कि ना और 10 बात टचवुड कर ले कि भाई मेरे को मैं लेटती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे बहुत देर नींद आ रही है. अभी मैं जग गई तो मतलब मैं जगी रह सकती हूँ बहुत टाइम, लेकिन मैं एक बार बेड पर लेट गई और मैं फोन बंद करके साइड में रख दिया, तो मैंने कहा नानू नींद आ रही है, बस आ रही भी नहीं आती, मैं कहती हूँ नींद आ रही है मेरे को, डिस्टर्ब नहीं, बहुत देर नींद आ रही है. मैं आँख बंद करती हूँ विद इन 5 मिनट्स भी ज्यादा बोल दी, विद इन 2 मिनट्स मेरे को नींद आ जाती है, मैं सो जाती हूँ. और भाई पता नहीं चलता है कहाँ गई 2 मिनट में, और पता क्या होता है एकदम अलग ही जोन में. और पता क्या होता है जैसे सुबह से उठे हुए हैं अब जाके लेटेंगे और फिर सुबह 7 बजे उठ जाएंगे, तो मेरे को इतना बॉडी में टायर्डनेस होती है ना उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं होता. बट एनीवेज पापे पेट का सवाल है, और एक बच चुका है इस पापे पेट के लिए जॉब कर रहे हैं, हमें तो सुबह उठना है, तो सुबह उठना है तो ये ब्लॉग एंड करना है, ब्लॉग एंड करना है, तो ये दिन भी खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट. तो करते हैं वाला ब्लॉग एंड. आपको करना लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन पर सब कर लेंगे. और जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि कब है कब है कब है किसकी शादी किसकी शादी, ये भी जल्दी आपको पता चल जाएगा. बाय बाय, गुड नाइट, टूडल्स कीजिए जी, गुड नाइट, आई लव यू. इतना हो गया तो बस वेट कर लो अप्रैल के फर्स्ट वीक का. इन्हें तो ये भी बता दिया ठीक है. गाइस क्या हो रहा है, सी यू, बाय बाय.